जन्म और मृत्यु का चक्कर तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने आप को नहीं पहचान लेते सत्य को नहीं जान लेते दूसरा शरीर कब खत्म होगा इसका समय निश्चित है बिल्कुल इसका समय एकदम निश्चित है हम सब जितने यहां लोग बैठे हैं हमें यह नहीं पता है कि आज शाम सूरज डूबता हुआ हम पक्का पक्का देखेंगे या नहीं देखेंगे वी हैव नो गारंटी डू यू वी डोंट हैव इट सो लाइफ इज अ ब्लैसिंग एंड दिस ब्लैसिंग इज फॉर अ कॉज फॉर अ पर्पस एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट डू एनी थिंग टू फुलफिल दैट पर्पस वी आर नॉट डूइंग इट और मृत्यु का समय एकदम तय है बिल्कुल तय है जैसे मैंने कल बात करी थी वो लड़का ट्रेन से गिरता है कट जाता है मर जाता है तय था ऐसा ही होना था अब बात आती सुइसाइड की इट इज़ लाइक ओपन क्लोज डोर जैसे आप दरवाजे ऐसे रहते ना आप अंदर से बाहर दरवाजे को खोल दो चाहे बाहर से अंदर खोल दो राइट इसी तरह जब हम अपना जीवन जी रहे हैं हमारे कर्म के अनुसार हमारे मन में इतनी निराशा इतना दुख इतनी पीड़ा आएगी हमारे पूर्व कर्म के अनुसार कि जीना मुश्किल लगेगा और आदमी आत्महत्या करने की सोचे ये भी है दूसरा कभी कभी जीवन की जो डोर है जब हम उसकी कीमत नहीं समझते और वो काम नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए तो पूर्व के कर्म उसको घेर के उस पोजीशन में ले जाते हैं जहां वो आत्महत्या करता है तो वह आत्महत्या दुर्घटना नहीं है the person has been pushed by his own karma in that direction but still problem is this that there could be ways to stop that रोका जा सकता था पर वो रुकता तब इंसान आत्महत्या करने से अगर उसकी ज़िंदगी में ये खुश नसीबी होती कि वो किसी संत को मिलता और वो सत्संग सुनता उसको ज्ञान मिलता और उसको समझ आ जाती कि चाहे कोई चीज़ मेरे पास रहे चाहे ना रहे पैसा परिवार रहे या ना रहे मेरी ज़िंदगी का मकसद तो सत्य की प्राप्ति है तो कितने भी ख़राब हालात हो जाए वो जो आशीर्वाद मिला है महात्मा का वो जो संत की शक्ति मिली है उसको और साथ में जो उसका पुण्य कर्म वो कर रहा है शुभस्त कर्म कर रहा है उन कर्मों के कारण इस कृपा के कारण वो जीवन काल उसका बहुत लंबा भी चल सकता है मैं एक बात सुनाती हूँ वृंदावन में एक स्वामी जी हुए जब मैं बहुत छोटी थी मैंने चौदह साल की थी जब उन्हें मैं पहली बार मिली उनका नाम था पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती अखंडानंद जी महाराज को हम वृंदावन में मिले तब उन्होंने ये बात बताई थी कि उनके बाप दादे सब ज्योतिषी थे और बड़े प्रकांड अंदाजे वाले ज्योतिषी नहीं एकदम साइंटिफिक अर्थमैटिक एस्ट्रोनॉमी सब जानने वाले तो जब ये पैदा हुए तो उन्होंने देखा कि यह अल्प आयु है अट्ठारह साल से पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी अब ये खबर इनको भी हो गई अब ये इन्हें छोटेपन से ही पता था कि ये अट्ठारह के, के होंगे और मर जाएंगे अब सोचिए हर साल जब उनका जन्मदिन होता तो अब वो खुशी मनाएं कि दुख करें बड़ा घर में एक विचित्र माहौल हो जाता तो उनके मन में ये बड़ा प्रश्न था कि क्या मैं मर जाऊंगा क्या मैं मर जाऊंगा क्या मैं मर जाऊंगा तो वो बहुत सारे संतों के पास जाने लगे सबके पास जाके वो एक ही सवाल पूछते कि क्या मैं मृत्यु से बच सकता हूं फिर एक महात्मा इन्हें मिले उन्होंने कहा बेटा मृत्यु का तो मुझे पता नहीं तो उससे तुम बचोगे या नहीं लेकिन मृत्यु के डर से मैं तुमको आजाद करा दूंगा डर नहीं रहेगा तेरे अंदर उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे वही चीज सिखाइए तो वो उनके पास सत्संग के लिए जाने लग गए और फिर उन्होंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया फिर उन्होंने महामृत्युंजय मा अनुष्ठान का अर्थ होता है एक संख्या एक वन पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंत्र आर डन इन वन पर्टिकुलर ड्यूरेशन जैसे कि 21 दिन में इक्यावन हजार मंत्र जब करेंगे या 40 दिन में सवा लाख मंत्र जब करेंगे तो मैंने रोज के पंद्रह माला सुबह में पंद्रह माला शाम में और स्नान करके बैठना उसे अनुष्ठान बोलते तो उन्होंने ऐसे बहुत से अनुष्ठान किए महामृत्युंजय करे गायत्री करे अब वो पंडितों के घर में हैं ब्राह्मण हैं लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ब्राह्मण को उन्होंने बुलाया भाई तू हमारे लिए कर दे ना, ना वो खुद कर रहे थे जो भी कर रहे थे फिर उन्होंने अपने गुरु से साधना सीखी ध्यान सीखा प्राणायाम सीखा और ध्यान करते करते सत्संग सुनते सुनते उनका डर एकदम खत्म हो गया एकदम खत्म क्योंकि उन्हें यह समझ लग गई शरीर मरेगा मैं तो मरूंगा नहीं और आत्मज्ञान हो गया अब आत्मज्ञान जिसको हो जाए उसको कोई डर नहीं रहता कोई डर नहीं रहता उसे अठारवा जन्मदिन आ रहा था पास घर वाले बड़ा रोवे कि इस साल तो ये जाएगा लेकिन अठारहवा साल खत्म हो गया कुछ नहीं हुआ उन्नीस खत्म हो गया कुछ नहीं बीस खत्म इक्कीस बाईस पच्चीस तीस पैंतीस इस बीच उनकी शादी हुई उनके बच्चे हुए पर जब लगभग अट्ठाईस साल के हुए तो मन में तीव्र वैराग्य आ गया कि जिस संत महात्मा साधना भगवान की कृपा से मेरा अट्ठारह पे मृत्यु होनी चाहिए थी और नहीं हुई है और अभी भी जीवन काल चल रहा है तो अब ये सारा जीवन में साधना के लिए बिताऊंगा मैं घर में नहीं रहूंगा तो उन्होंने अट्ठाईस के करीब उन्होंने सन्यास ले लिया घर छोड़ दिया और अपने गुरु जी के पास जाकर के रहने लग गए और अखंडानंद जी महाराज सेवेंटी फाइव ईयर्स तक जिए एक दिन वो खुद बताते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी से पूछा जब यह घर नहीं छोड़ा था वो कहने लगे कि क्या ज्योतिष विद्या गलत है मुझे तो मर जाना चाहिए था मैं तो बड़ा नहीं हूँ शादी हो गई बच्चे हो गए क्या मानूँ मैं इसको तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है पर ज्योतिष से भी बड़ी ईश्वरीय शक्ति की विद्या है तुझे जो कृपा मिली है अपने गुरु जी की और जो तूने साधना करी है इसलिए अब तेरे को ये ग्रेस पीरियड मिला हुआ दिस इज योर ग्रेस पीरियड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर कर्म और वो जितना मंत्र अनुष्ठान वगैरह सब किए हुए थे इसलिए नहीं कर रहे थे कि मैं मरूं नहीं वो इसलिए कर रहे थे ताकि आत्मज्ञान हो सके यूं तो निश्चित है एकदम तय नो बडी कैन चेंज दैट बट इन रेयर केसेस बहुत यूनिक केसेस होते हैं ये इतनी साधना करी इतनी साधना करी इसलिए नहीं कि मरू नहीं बस इसलिए कि जो जिंदगी जिस लक्ष्य के लिए मिली है मैं वो काम कर लूं और फिर मौत आ जावे तो आ जावे नो प्रॉब्लम एट ऑल कहते कैसे, कैसे बढ़िया वो सन्यासी हुए इतने विद्वान इतने विद्वान और इतना उनका आहा क्या कहूं अब आई loved हिम सो मच आई लव हिम स्टिल सो मच जसप्रीत सिंह आपसे ये बेनती है कि संतों और परमात्मा के रूप अवतार ने जो बताया है और गुरु परमात्मा में कोई भेद नहीं फिर गुरु को छोड़ के लोग भैरों भूत शीतला माई को क्यों मानते और पूजते हैं और हमारी क्या भवसागर से मुक्ति हो सकती है इनको मानने में जब हम और उनमें कोई भेद नहीं और हम उसको दूसरा मानकर क्यों पूछते हैं गुरु गोविंद गुरु गोविंद है नानक प्रभेद न पाई जसप्रीत तूने ने बड़ा अच्छा सवाल लिखा है पहली बात गीता भी कहती है जो जिसको पूजता है वो वही हो जाएगा तो भूत पूजेगा तो <laughs> भूत ही बनेगा और रही बात शीतला माता की तो शीतला माता तो लोगों ने अपनी भावना से एक माता खड़ी कर ली है देवी पुराण के मुताबिक शीतला माता तो कोई थी ही नहीं ऐसी कोई शक्ति हुई ही नहीं है पर लोगों ने भावना बना ली है भावना से उन्होंने एक देवी भी बना ली है और वो उसको पूजते भी हैं इस इस तरह के कर्म करने से ज्ञान कभी नहीं होगा वो भटकता रहेगा इंसान मुक्ति उसी को मिलती है जिसको ज्ञान मिलता है ज्ञान उसी को मिलता है जिसको ब्रह्म ज्ञानी मिलता है जिसे संत महात्मा का सानिध्य मिलता है और सानिध्य में जो वो सीखे उसका वो अभ्यास भी करे इफ यू जस्ट लिसन एंड यू डोंट डू एनी थिंग यू विल नॉट गेट एनी थिंग सो वी नीड टू वर्क हार्ड टू एलिवेट आर सेल्फ एंड एक्सपीरियंस लिबरेशन प्रवेश त्राटक करते हुए लेफ्ट आय अच्छे से फोकस कर पाती है राइट में बहुत पानी आता है स्थिर भी नहीं हो पाती ऐसा क्यों होता है और इसका दिमाग के लेफ्ट राइट हेमस्फेयर से क्या कोई लिंक है और ऐसा क्या किया जाए कि हम यहाँ से जाने के बाद भी ध्यान साधना और प्राणायाम निरंतरता के साथ करते रहे प्रवेश पहली बात यह है आँख आपने लिखा कि राइट आंख से पानी ज्यादा आता है देयर मस्ट बी सम ऑब्स्ट्रक्शन देयर मस्ट बी सम ऑब्स्ट्रक्शन तो उसके लिए तुम जल नीति करो जल नीति के करने से ये ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी जो फ्लूड है वो प्रॉपरली और बैलेंस्ड रहेगा और कोई ना कोई ब्लॉकेज अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगी और हमारा ए, जो पूरा शरीर है वो डिवाइडेड है राइट एंड लेफ्ट में सो समटाइम्स योर राइट आई इज स्ट्रॉगर बट योर लेफ्ट आई इज़ नॉट इसीलिए चश्मे के दो नंबर कई दफ़े होते लेफ्ट का कुछ और राइट का कुछ और आपका राइट हैंड जितना मजबूत है उतना लेफ्ट नहीं होता है साइज में भी डिफरेंस होता है शक्ति में भी डिफरेंस होता है तो कभी कभी इस डिफरेंस को दूर करने के लिए आ, समझ ना हो तो आदमी ऐसे ही चल जाता है पर अगर इसको हम चाहें तो हम ठीक कर सकते हैं त्राटक करने से भी ठीक होगा जल करने से भी ठीक होगा और एक सजेशन और देते हैं आ, अगर तुमको देसी गाय का घी जर्सी गाय नहीं देसी गाय का हिसार में मेरा खल आसपास मिल जाना चाहिए देसी गाय का दूध लेके घर में उसका घी बनाइए और दो बूंद नाक में रात को सोने से पहले वो तुम डाल लिया करो थोड़ा सा लुकवाम होना चाहिए मैंने जमा हुआ नहीं होना चाहिए तो वो हल्का सा वो डाले कपाल भाती प्राणायाम करें जलनेती करें त्राटक करें इन दीज ऑल द कॉम्बिनेशंस जो भी कुछ थोड़ा बहुत वीकनेस होती वो भी ठीक होती है और हमारी जो रेटिनल uh, स्ट्रेंथ है हमारी ऑप्टिकल नर्व की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है नहीं, नहीं नहीं कलर से नहीं ऐसा कुछ नहीं वो कुछ एक औषधीय ज्ञान में कहीं कहीं इतनी डिटेल बट वी नीड नॉट गो इन टू डिटेल इट शुड बी जस्ट देसी गाय दैट इज फाइन और अच्छे तरीके से उसका बनाओ इफ आवर माइंड गेट्स फ्री फ्रॉम ऑल द ट्रैप्स देन कैन इट टर्न इन टू लेजीनेस ईवा गर्ग नो द माइंड विच इज फुल ऑफ लेजीनेस एक्चुअली दैट माइंड इज इन ट्रैप जैसे लड़के है ना तो एक लड़की ने अपनी मां से कहा मम्मी पढ़ाई नहीं होती क्या करूं कहती चल छोड़ पर बेटा तेरे लिए लड़का ढूंढ लेते हैं वो कमाएगा तू बैठ के खाइयो सो द मम्मी इज लेइंग द ट्रैप फॉर द बॉय सो दैट द गर्ल डजेंट हैनी थिंग एंड द बॉय अर्न्स एंड शी स्पें हमारी जितनी भी स्लेवरी होती है माइंड स्लेवरी इज बिकॉज ऑफ लेजीनेस इफ आई एम नॉट लेजी देन वाई वुड आई लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन बोलो आपको खाना बनाना ना आता हो तो वेट करो मम्मी की या नौकर की या बाजार से ऑर्डर करो अगर आपको खाना बनाना आता आप खुद बनाओगे और खा लोगे तो जो लेजी है वो डिपेंडेंट हो जाएगा सो वेन यू विल रिमूव ऑल द ट्रैप्स ऑफ द माइंड टू रिमूव द ट्रैप्स ऑफ द माइंड यू हैव टू बी रियल वॉरियर्स वही शूरवीर ही अपने आप को सब गुलामियों से आजाद कर सकता है और जो कमजोर लोग होते हैं वो हमेशा यही सोच रहे थे मेरी मम्मी नहीं मिलेगी मैं कैसे जीऊँगी मेरे पापा नहीं होंगे मैं कैसे जीऊँगी मेरे भाई बहन नहीं होंगे मैं कैसे ये मेंटल स्लेवरी है ये और जिसके पास ज्ञान है समझ है उसे यह पता रहता है कि दुनिया में सब लोग मिलते ही हैं बिछड़ने के लिए एक दिन बिछड़ेंगे नो प्रॉब्लम और ईश्वर कभी हमसे अलग होंगे नहीं और प्रभु हमेशा हमारे साथ है इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं जब यह विश्वास हो कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं मुझे आप बताओ जस्ट जस्ट फील इट क्या आपको एकदम कन्विक्शन से ये एहसास हो जाए कि मैं ईश्वर का ही बच्चा हूं ईश्वर मेरे माता पिता हैं, इसके बाद क्या कोई चिंता आ सकती मन में नहीं <laughs> आत्माएं तो तुमको बेटा हम यहीं दिखा दें ऐसी बहुत सी जगह है हिंदुस्तान में जहाँ वो ऐसा आडम्बर करते हैं कि यहाँ पर भूत उतारे जाते हैं और भूत एक कह रहे थे मेरे को एक भूत चिपट गया था मैं वहाँ गया तो एक भूत तो उतर गया पर चार चिपट गए और आते आते <laughs> तो उन्होंने कहा अब दोबारा आना पड़ेगा तो फिर उन्होंने जब दोबारा मेरा भूत उतारा तो उन्होंने कहा अब तुम अपने गले में ये लॉकेट पहन के रखो तो दूसरे भूत नहीं चिपटेंगे तो वहाँ उतरते चढ़ते रहते <laughs> लेकिन साइकोलॉजिकली देखें तो ये सिर्फ मन की कमजोरी होती है और कुछ भी नहीं एक ने किसी ने मेरे को चिट्ठी भेजी कि चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया है कि इस जगह में भूत हैं और उस जगह में भूत हैं तो वो सब क्या है भाई चैनल जो दिखा रहा है वो सब सच ही है तुम्हें इतनी श्रद्धा चैनल पे क्यों है फिर वही बात आ गई ना गोरी चमड़ी की गुलामी इज एंट इट ऑड इज एंट इट ऑड वाई डू यू बिलीव वट एवर दे आर सेंग इज इज ट्रू दैट्स नॉट ट्रू मैं ये नहीं करी भूत प्रेत होते नहीं होते हैं पर आज का इंसान उससे बड़ा भूत है <laughs> जब हम कहते भूत लेट मी एक्सप्लेन भूत का मतलब क्या होता है जब जीव आत्मा के पास शरीर नहीं होता है तो वो भूत होता है भूत मैंने माइनस द फिजिकल बॉडी वी हैव थ्री बॉडीज हाउ मैनी वन इज फिजिकल बॉडी Second is इज subtle बॉडी थर्ड इज द causal बॉडी एट द मोमेंट हम इन तीनों शरीरों के साथ जी रहे हैं जब मौत होती है तो आपकी फिजिकल बॉडी ख़त्म हो जाती है बट आपकी सटल बॉडी जिसे हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर और आपकी कॉजल बॉडी जिसे हम कहते हैं कारण शरीर वो बना रहता है मन जिंदा रहता है और वो किए गए कर्म और इच्छाओं की वजह से फिर दोबारा नया फिजिकल बॉडी मिल जाता है बात समझ रहे हो थ्री बॉडीज इफ इफ आई से दिस इज फिजिकल दिस इज सटल एंड दिस इज द काजल व्हाट हैप्पन्स इन डेथ इज दिस बॉडी इज गॉन दिस टू बॉडीज आर स्टिल देयर राइट एंड बिकॉज ऑफ दिस टू बॉडीज अ न्यू बॉडी इज गिवन अगेन राइट सो वेन एवर द फिजिकल बॉडी अब ये फिजिकल बॉडी मान लो कोई साधु है या चोर है या डाकू है कोई भी है जब ये फिजिकल बॉडी चली गई और सिर्फ जब ये दो रह जाते हैं तो इसको हम कह अगर तो वो बहुत अच्छे हैं तो इन्हीं को हम कहेंगे देवता क्या बोलेंगे ये कौन है अब देवता। और अगर बुरे हैं नीचे हैं तो इन्हीं को हम कहेंगे भूत सो इट्स जस्ट टू डिफरेंट नेम्स फॉर वन स्टेट जैसे जिंदा शरीर के साथ इस फिजिकल बॉडी के साथ जो लोग जी रहे हैं क्या कई लोग देवता जैसे नहीं है नाइस स्वीट हम्बल केयरिंग लविंग और कई लोग क्रूर वेरी रूड इगोइस्टिक डिमांड्स तो फिजिकल बॉडी जब नहीं रहती तब इसको हम भूतावस्था कह सकते हैं लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो फिर हम थोड़ा अच्छा नाम देते हैं फिर हम कहते तो देवता है एक बात बताओ जैसे गहरी नींद में आप जब हो चले जाते तो यह याद रहता है कि तुम्हारा शरीर कहां बेड पे है सोफे में जमीन में होटल में घर में कुछ भी नहीं पता राइट इसी तरह जो मृत्यु होती है तो यह फिजिकल बॉडी के चले जाने पर आप काइंड ऑफ डीप स्लीप में चले जाते हो जैसे गहरी नींद में आपको इस शरीर का कुछ पता नहीं है ऐसे ही मृत्यु के बाद बाहर का कुछ ज्ञान नहीं रहता है सो देर आर नो चांसेस कि जिसका शरीर खत्म हो गया है उसका भूत जो है वो लोगों के घरों में नॉक करके घुस रहा है लोगों की अलमारियों में घुस रहा है मतलब अलमारी खोली भूत पलंग के नीचे भूत बाथरूम में भूत ये सब फिल्मी और ड्रामाटाइजेशन इट्स अ फिक्टिशियस इमेजिनेशंस ऑफ पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ तुम्हें एक बात बताती एक मनोरोग होता है जिस मनोरोग में हेलुसिनेशन होती माने आदमी को सचमुच दिखने लग जाती चीजें जो है ही नहीं तो उनका दिमाग का इलाज कराने की जरूरत थी पर गांव में देहात में अशिक्षित लोग समझते हैं कि इसको कोई भूत चिपट गया स्त्रियों में हार्मोनल इम्बैलेंस स्ट्रेस की वजह से हिस्टीरिया की बीमारी हो जाती तो उसे दौरे पड़ते बेहोश हो जाती गांव वाले अशिक्षित लोग क्या समझेंगे वो कोई भूत भूतनी आ गई इसके ऊपर मैं पढ़ रही थी एक पति पत्नी खाना खा के रात का हटे और एक चुड़ैल आ गई चुड़ैल कहती है आज मेरा बड़ा हैप्पी मूड है जो मांगो दूंगी पति कहता है अच्छा तो मुझे मेरे से 25 साल छोटी लड़की पत्नी के रूप में मिल जाए मैंने मेरे से अब वो ये नहीं कह रहा है कि भी ये जावे और एनीथिंग कह रहे ठीक है चिड़ैल कहती डन उसकी उम्र थी पचास भूतनी ने उसको पिचहत्तर का बना दिया पत्नी हो गई छोटी उम्र में द स्टोरी चुड़ैल भी एक औरत ही है <laughs> तो औरत का ही तो पक्ष लेगी ना वो कह रहा मुझे छोटी उम्र की पत्नी मिल जाए तो उनको ठीक है तो उसने उसको बड़ा कर दिया तो एक है फिक्टिशियस कल्पनिक मेरे एक मित्र संत स्वामी केवल्यानंद वेस्ट बंगाल के थे हैं मतलब वेरी मच अलाइव मे गॉड गिव हिम लॉन्ग लाइफ वो अपने गुरुजी के साथ शमशान घाट में पंद्रह साल रहे फिफ्टीन ईयर्स वहीं खाना वहीं पीना वहीं सोना वहीं पढ़ना वहीं साधना सब कुछ तो वो मुझे बता रहे थे अपने जीवन की कथा मैंने कहा फिर इतने सालों में कोई भूत कोई प्रेत कोई चुड़ैल कोई डायन कह रहे कोई भी नहीं कह रहे मैं भी सोचता था पहले पहले कि कोई तो दिख जाएगी शायद कोई नहीं दिखी ना जस्ट टू हैव क्योंकि कितनी कहानियां सुनी होती ना कि शमशान में भूत प्रेत चुड़ैलें होती हैं रात के बाद वो बाहर आ जाती हैं कोई आ जाए बंदा उसे मार देती हैं बोले कुछ भी नहीं कहते रात को तो कभी डर लगता ही नहीं था कहते हाँ दिन में बड़ा डर लगता था इंसानों से आके हमारा सामान चोरी करके चले जाते थे <laughs> कभी आटा ले जाते थे कभी बर्तन ले जाते कभी लकड़ी चुरा बोले तो भूत प्रेत तो कभी ना दिखे ना कोई डर लगा लेकिन दिन में इंसानों से डर लगता था जो लोग जो लोग सत्संग साधना भजन मंत्र जब करते हैं इवन इफ रियल टाइम कोई भूत प्रेत किसी जगह रहता भी हो वो उस तक आएगा ही नहीं जैसे जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता है ऐसे जहाँ भजन करने वाला इंसान रहता है उस जगह पर भूत प्रेत रह ही नहीं सकते हैं और वैसे भूत प्रेत बेचारे तो खुद ही दुख पा रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको नया जन्म मिल जाए नया फिजिकल बॉडी मिल जाए उनको कहाँ फुर्सत पड़ी है कि वो जिंदा इंसानों में जा के कुछ रिलेशनशिप uh, बना में और भूत और इन जिंदा इंसान का रिलेशन वो भी कुछ नहीं सकता जैसे नींद में आप अपने शरीर को भूल जाते हैं ऐसे ही मृत्यु के समय पर uh, जो जीव है वो एक गहरी नींद जैसी हालत में चला जाता है होश फिर वापस तभी आती है जब जन्म हो जाता है बात समझ लगी? क्वेश्चन इज इज इट गुड और बैड टू हैव विशेष Desires, aims, goal in life—is it possible for a person to live without desires? And how can one remain detached from everything while living in this world? Nice question. Number one. Wishes are not good or bad, but the consequences of the wishes can be really good or bad. Like you can desire to drink alcohol. So you can go to a bar, drink, go crazy, and then keep on puking next day, and keep on drinking, and keep on killing your liver. It is a desire. Because it will not happen in one week, one month, or one year. द लीवर डैमेज सो पीपल सिंक वाई बदर किसने देखा कल जब तक जी रहे हैं ऐसे ही जियेंगे तो इसको हम स्टूपिडिटी की एक लिमिट कहेंगे ये तो वही हुआ कि जहर पी जाओ और फिर कल क्या होगा देखी जाएगी